Yes, 11th class accountancy students, welcome again. आज हम कल वाले टॉपिक को रिकैप करेंगे, यानी कल हमारा टॉपिक था एक्सपेंडिचर। आज फिर से हम उसी को दोहराएंगे, थोड़ी सी रिकैप्सुलेशन दूंगा मैं आपको इस टॉपिक के बारे में, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। एक्सपेंडिचर ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में से एक टर्म है अकाउंटेंसी में। तो इससे क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सपेंडिचर, और डिफाइन द टर्म एक्सपेंडिचर, ऐसा क्वेश्चन आएगा वहां पर। तो ये एक्सपेंडिचर जो है, इट मींस स्पेंडिंग ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड एंडिंग ए लाइबिलिटी। ये हमारे पास एक मीनिंग है इसकी। तो यही इससे मुराद है कि पैसा खर्च करना या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना, परचेज एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, और तीसरी बात कर्जा खत्म करना, लाइबिलिटी खत्म करना, एंड ए लाइबिलिटी। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, आप स्पेंडिंग ऑफ मनी, जो भी हम पैसा खर्च करते हैं उस पैसा खर्चने को, पैसा खर्च करने को हम कहते हैं एक्सपेंडिचर, नंबर वन। नंबर टू, कोई प्रॉपर्टी हम सेल करते हैं, फिर दोबारा परचेज करके दोबारा सेल करते हैं, उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। और तीसरा, एंडिंग ए लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी जो हमारे पास है, अगर कोई कर्जा है हमारे पास, तो उसको हम जब खत्म करते हैं उसके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है पहले, तभी ये लाइबिलिटी खत्म हो सकती है। यहां पर मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, स्पेंडिंग मनी जो बिजनेस में, कंपनी में, फर्म में या एंटरप्राइज में जो हमें एक्सपेंडिचर जो मतलब है, वो इसलिए नहीं कि हम चॉकलेट लाए और खाएं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, राइस, वेजिटेबल्स, मटन, ब्रेड एक्स्ट्रा हम खरीदें और वो खा जाएं, तो यही एक्सपेंडिचर है। बिजनेस में आमतौर पर एक्सपेंडिचर इसलिए किया जाता है कि दोबारा हम उसके बाद परचेज कर सकें और उसको रीसेल कर सकें और हमें इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट मिले। तो यहाँ पर हम स्पेंडिंग ऑफ मनी, यानी कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स खरीदती है तो उसके लिए पैसा खर्च करते हैं, उसको भी एक्सपेंडिचर कहते हैं। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई बिल्डिंग, लैंड, मशीन है कंपनी के पास, तो उसको बेच डाला, तो दूसरी मशीन लाई, दूसरा पीस ऑफ लैंड लिया, दूसरी बिल्डिंग खरीदी, तो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कहते हैं। यानी अगर हम, हमारे पास जमीन है, उस जमीन को हम बेच डालते हैं, तो फिर दोबारा हम कहीं और जगह जमीन लेते हैं या मकान लेते हैं या कोई और प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वहां भी एक्सपेंडिचर हमने किया, यानी एक चीज को बेच डाला, यानी पैसा खर्च हुआ या प्रॉपर्टी खर्च हुई, तो उसके बाद एंडिंग ए लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी है, एक कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स लाए हैं 50 लाख के, और 10 लाख उसकी लाइबिलिटी है, 40 उसने पे की है ऑलरेडी, और एक महीने, दो महीने के बाद ये लाइबिलिटी खत्म करता है, ये 10,000 पे करता है, ये पे करने को, ये पेमेंट मेड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। शाबाश। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है, उसके तीन टाइप्स है हमारे पास। एक्सपेंडिचर हैज 3 टाइप्स, नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और नंबर 3 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Let me explain these 3 types of expenditure one by one. पहला टाइप जो है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। द पेमेंट मेड फॉर, या द अमाउंट स्पेंट, और द एक्सपेंडिचर मेड, जो भी आप कहें, द पेमेंट मेड फॉर, द एक्सपेंडिचर मेड फॉर, और द अमाउंट स्पेंट फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स। The payment made for the purchase of assets from which benefit will be derived in future is called capital expenditure. जो हम पैसा खर्च करते हैं,
जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं किसके लिए, एसेट्स खरीदने पर। कंपनी के पास बैंक बैलेंस है या उसके पास कैश इन हैंड है 20 लाख रुपए, और 20 लाख रुपए के ये एसेट्स खरीदती है या 1 करोड़ की ये एसेट्स खरीदी, पीस ऑफ लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या और कोई चीज जो कंपनी के पास रहती है, तो उन एसेट्स को खरीद कर फ्रॉम विच बेनिफिट विल बी डिराइव्ड इन फ्यूचर, जिससे हमें फायदा मिले, प्रॉफिट मिले, रेवेन्यू मिले फ्यूचर में। अगर आज एक कंपनी फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर खरीदती है, 50 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदती है फॉर सेल, तो एक महीने के बाद ये फर्नीचर इसको इसकी सेल होती है, इसको सेल किया जाता है, तो 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए हमें बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो ये रेवेन्यू आता है हमें, ये है कैपिटल। ये हम, इसका मतलब है पहले हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा, पहले हम वी आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ एसेट्स नॉट फॉर रिसेल। अगर हम एसेट्स खरीदेंगे बट नॉट फॉर रिसेल, तो वो है फिक्स्ड एसेट्स, तो उस सूरत में वो कंपनी के पास ही रहते हैं। लेकिन उन ऐसे एसेट्स जो होते हैं, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीन है, वो हमें पैसा अर्न करने में मदद देती है, क्योंकि जब बिल्डिंग होगी कंपनी के पास, लैंड होगा, मशीनरी होगी, तो उस वो वही उसी से तभी तो काम होता है, फंक्शनल होती है कंपनी, जब उसके पास अपना लैंड हो, अपनी कंपनी, अपनी बिल्डिंग, अपनी मशीनरी, अपना फर्नीचर। तो अगर वो हम भले ही रिसेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी की वजह से हम कमा सकते हैं। दूसरी एग्जांपल, इंक्रीज इन एसेट्स और अर्निंग्स, और जो एसेट्स या अर्निंग्स, इनकम, रेवेन्यू, उसमें जो इंक्रीज होती है, वो उससे हमें, जब एसेट इंक्रीज होंगे तो कैपिटल इंक्रीज होता है, जब प्रॉफिट्स आएंगे तो कैपिटल इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल, कैपिटल जो होता है वो होती है पहली इन्वेस्टमेंट, जो इंट्रोड्यूस किया होता है पैसा बिजनेस में, जिससे पैसा बिजनेस स्टार्ट होती है, तो उस इन्वेस्टमेंट को जब वो इंक्रीज होती है, वो कैसे इंक्रीज होगी, जब हम प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, उनको बेचेंगे, फिर प्रॉफिट मिलेगा, पैसा, देयर शैल कम मोर एंड मोर मनी इन द कंपनी एंड दिस कैपिटल विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। जब एसेट्स इंक्रीज होंगे तो कैपिटल इंक्रीज होगा, अर्निंग्स इंक्रीज होंगी तो कैपिटल इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगा। इसलिए इस चीज को कहते हैं कैपिटल एज एक्सपेंडिचर। वो तभी कैपिटल तभी इंक्रीज हो सकता है जब हम पहले एक्सपेंडिचर करेंगे, जब हम पेमेंट करेंगे, जब हम स्पेंड करेंगे मनी, अमाउंट्स, आफ्टर स्पेंडिंग द अमाउंट कैपिटल विल बी इंक्रीज्ड। तो दूसरा टाइप जो है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझने की कोशिश करना, यहां भी पेमेंट है, एक्सपेंडिचर है, स्पेंडिंग ऑफ मनी है। द पेमेंट मेड और द अमाउंट स्पेंड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम पैसा खर्च करते हैं किसके लिए, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और एंड सर्विसेज, यानी हम ट्रांसपोर्ट, गाड़ियां लाती हैं कंपनी के लिए, मैन पावर इंक्रीज करते हैं, उनको सैलरी देते हैं, उसके लिए भी अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स लाते हैं जिनको बाद में सेल किया जाता है और प्रॉफिट मिलता है, विच आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, जो प्रोडक्ट्स हम लाते हैं लेकिन वो 1 साल में खत्म होने चाहिए। यहां पर हमें फिक्स्ड एसेट्स नहीं खरीदने हैं जो फॉर लॉन्ग 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 पीरियड ऑफ टाइम रहेंगे कंपनी के पास, नहीं, हमें लाए हैं, लाने हैं वो प्रोडक्ट्स जो रनिंग प्रोडक्ट्स होंगे, जो जिससे जो एनवायरनमेंट में लोगों को बार 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 खरीदने पड़े, तो वो 1 ही साल में खत्म हो जाएंगे और हमें पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो एक्सपेंडिचर किया जाए किस लिए, कि हमें रेवेन्यू मिले। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी पैसा खर्च करती है, प्रोडक्ट्स खरीदती है, और वो प्रोडक्ट्स 1 महीने के बाद सेल होते हैं, 1 महीने तक सेल होते हैं, तो दूसरे महीने दूसरे प्रोडक्ट्स लाते हैं, पैसा बढ़ जाता है, आता रहता है, इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेड फॉर रेवेन्यू,
इसके लिए एक और मीनिंग है सिंपल हमारे पास, और मैंने यहां ये वाली मीनिंग, द एक्सपेंडिचर टू परचेज गुड्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस रेवेन्यू इन द करंट अकाउंटिंग ईयर। ये जो पैसा हम खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर जो करते हैं हम, टू परचेज गुड्स, जो प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए, विच आर यूज टू परचेज प्रोड्यूस रेवेन्यू, तो ये हम इसलिए खर्च करते हैं पैसा ताकि हम ऐसी चीजें लाएं, ऐसे प्रोडक्ट्स लाएं जिससे रेवेन्यू प्रोड्यूस हो जाए। ठीक, तो उसको, लेकिन ये रेवेन्यू जो प्रोड्यूस करते हैं हम, ये हम करते हैं करंट, ड्यूरिंग करंट अकाउंटिंग ईयर, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर तो मैंने आपको बताया है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल दिस ईयर एंड एंड्स ऑन 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। और तीसरा जो टाइप है इसका वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ये है हेवी पेमेंट, हेवी एक्सपेंडिचर। यहां हेवी मतलब जब हम ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा हमें फजूल में, खसारे में, घाटे में, लॉस में। ये देखो, हेवी पेमेंट मेड फॉर ए नंबर ऑफ इयर्स इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंशन। यहां पर हमें एक ऐसा बोझ पड़ जाता है खर्च करने का जो हमें नहीं करना था, लेकिन ये खर्चा करना पड़ता है। सपोज हमें, हमारे पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है, लेकिन हमें एक ही बार 20 लाख रुपए खर्च करने पड़े, कंपनी को 20 लाख रुपए खर्च करने पड़े, क्योंकि वो उसको कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन एक ये पैसा कब आएगा वापस, इसको बहुत सारे इयर्स लग जाएंगे वापस आने में। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं एग्जाम्पल दूंगा, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। अगर नया प्रोडक्ट कंपनी बनाती है या नया प्रोडक्ट खरीदते हैं ऐसा जो लॉन्च करना है मार्केट में पहली बार, तो उसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट पर खर्चा आता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया तो है ही, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स और लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसमें जो खर्चा आता है उसके लिए आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, इनको लिया जाता है एडवर्टीजमेंट के लिए टीवी पर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, और उन्हें बहुत सारा पैसा दिया जाता है, तो इस ये कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ता है। दूसरा है हेवी लॉसेस, जब कोई लॉस होगा कंपनी को, सच एज अर्थक्वेक, फ्लड्स एक्सेट्रा। अर्थक्वेक की मैं आपको एग्जांपल दूंगा, 2005 में जो अर्थक्वेक आया था, आई थिंक ऑन 5th अक्टूबर 2005 रादर, तो उस दिन कितना नुकसान हुआ था। अगर कोई कंपनी गिर पड़ी होगी, कोई उसको लॉस हुआ होगा अर्थक्वेक से, तो उसको बिल्डिंग्स दोबारा बनानी पड़ी हैं, वो प्रोडक्ट जाया हुए हैं, वो कितना लॉस जो हुआ है वो मीट आउट नहीं हुआ होगा तकरीबन 20-25 साल तक। उसके बाद दूसरा यहाँ पर हमारे जेके में जो फ्लड आया 2014 में, आपको याद होगा कि उस वक्त कितने घर उजड़ गए, कितनी कंपनीज खत्म हो गई, तो मार्केट्स तबाह हो गए, प्रोडक्ट्स बिल्कुल पेरिश हो गए, तो उस वक्त जो लॉस उनको उठाना पड़ा, शॉपकीपर्स को, एंटरप्राइजेस को, कंपनीज को, फर्म्स को, उसको बहुत सारे साल लग गए, अभी तक भी वो मीट आउट नहीं हो रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर हेवी करना पड़ा उसमें, तो उसी को कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और तीसरे एग्जाम्पल मैं यहां दूंगा, जो COVID-19 कोरोना वायरस यहां 2019 में स्टार्ट हुई और 2020 में जो लॉस हुआ, आज भी 21 में भी जो लॉस हो रहा है, तो ये लॉस मीट आउट होना बहुत बड़ी मुश्किल बात है, तो उसमें भी बहुत सारे इयर्स लग जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन एग्जाम्पल्स के जरिए आपने समझा कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। यानी हमारे पास जो हमारा टॉपिक आज एक्सपेंडिचर था, तो एक्सपेंडिचर के टाइप्स आपने सीख लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से, तो नोट करके रखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। आई विल बी बैक सून, थैंक यू।